hello everyone so uh, here today next topic is newborn reflexes so uh, newborn reflexes are inborn reflexes which are present at birth and occur in a predictable fashion so a normally developing newborn should respond to certain stimuli with these reflexes which eventually became inhibited as the child मेच्योर ओके सो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं टाइम के साथ साथ क्या होते रहते हैं आपके डिसपेयर होते रहते हैं ओके सो वी विल डिस्कस वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मोरो रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स मतलब ये क्या होता है आपका स्टिमुलेटेड बाय अ सडन मूमेंट और लाउड नॉइज़ ओके okay? अगर आप कुछ बच्चे को थोड़ा सा भी स्टूमुलेट करें या सडनली uh, वहाँ पे नॉइज़ हो तो बच्चा क्या करता है मूवमेंट करने लग जाता है लाइक दिस सो अ नॉर्मली डेवलपिंग न्योनेट विल रिस्पॉन्ड बाय थ्रोइंग आउट द आर्म्स एंड लेग्स एंड देन पुलिंग देम टूअर्ड द बॉडी ओके सो इट एमर्ज द एट टू नाइन वीक्स इन यूट्रो एंड इनहिबिटेड बाय सिक्सटीन वीक्स द नेक्स्ट इज पामर ग्रैफ रिफ्लैक्स ओके सो इट इज स्टमुलेटेड वेन एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन टू द बेबीज पाम ओके जैसे अगर आपने अपना हैंड रख दिया या कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया स्टमुलेट करना है सो नॉर्मली डेवलपिंग यूनिट रिस्पॉन्ड बाई ग्रेसपिंग द ऑब्जेक्ट ओके वो क्या करेगा उस ऑब्जेक्ट को ग्रेस करेगा एंड These reflex emerge eighteen weeks in the utero and inhibited two to three months after birth. And a persistent palmar grasp reflex may cause issues such as a swallowing problem and delayed speech. The next is Babinski or plantar reflex. Okay, so what is is stimulated by stroking the sole of foot. टोज ऑफ़ द फूट शुड फैन आउट लाइक दिस एंड द फूट इट सेल्फ शुड कर्ल इन ये कब होता है आपका एटीन वीक्स में एमर जो होता है न्यूट्रो एंड डिसअपेयर कब होता है आपका सिक्स मंथ आफ्टर बर्थ ओके द प्लैटर रिफ्लैक्स नेगेटिव बेबेंसिकी रिफ्लैक्स अर्लिंग ऑफ द टोज इट्स सीन इन हेल्दी एडल्ट ओके बिकॉज जो आपके न्यूबॉर्न है वो आफ्टर सिक्स मंथ क्या हो जाता है उनमें डिसअपेयर हो जाता है द बेबंस की साइन पॉजिटिव इज अगर इन द एबसेंस ऑफ डिसेंडिंग इनिबिशन इट इज़ नॉर्मल इन इन्फेंट बट पैथोलॉजिकल इन एडल्ट ओके द नेक्स्ट इज असीमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लैक्स असीमेट्रिको टोनिक रिफ्लैक्स क्या होता है आपका इसमें क्या करते हैं चाइल्ड को क्या करते हैं चाइल्ड प्लेस ऑन देअर बैक बैक के थ्रू से क्या करते हैं प्लेस करते हैं एंड विल मेक फिस्ट ओके एंड टर्न देयर हैंड टू द राइट जो आपका ये रिफ्लैक्स होता है ये प्रेजेंट होता है एटीन वीक्स इन यूट्रो और डिसअपेयर कब होता है आपका बाई सिक्स मंथ आफ्टर बर्थ द नेक्स्ट इज स्टेपिंग रिफ्लैक्स सो द स्टेपिंग रिफ्लैक्स एक वन मोर थिंग इज जो आपका मोरो रिफ्लेक्स होता है ये डिसअपेयर uh, होता है आपका थ्री टू फोर मंथ में और कुछ लोग कहते हैं कि सिक्स uh, मंथ में क्या होता है ये डिसअपेयर तो थ्री टू सिक्स मंथ में ये क्या हो जाता है आपका डिसअपेयर हो जाता है ओके द नेक्स्ट इज स्टेपिंग रिफ्लेक्स सो न्यूनिट विल मेक वॉकिंग मोशंस विद लेग्स एंड फीट वेन हेल्ड इन द अपराइट पोजिशंस विद द फीट टचिंग द ग्राउंड So this reflex appeared at birth last for three to four months, then reappears at the twelve to twenty-four month. Okay. The next is rooting reflex. The rooting reflex is the baby's cheek is stroke like this, and they respond by turning their head towards the

so when the roof of the baby's mouth is touched the baby will start to suck and the, this reflex doesn't start until about the 22 32 weeks of pregnancy and it's not fully developed until the about 36 weeks so premature babies may have a weak or immature sucking ability ओके okay, आपने देखा होगा जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनमें क्या होते हैं वीक सकिंग रिफ्लेक्स एबिलिटी होते है मीन्स वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पाते हैं सक नहीं कर पाते वाई क्योंकि जो प्री टर्म्स बेबी होते हैं बिकॉज द बेबीज ऑल्सो हैव अ हैंड टू माउथ रिफ्लेक्ट दैट गोस द विध रूटिंग एंड सकिंग दे मे सक ऑन देयर फिंगर्स और हैंड द नेक्स्ट इज डॉल्स आई रिफ्लेक्स ओके okay, तो डॉल्स आईज रिफ्लेक्स क्या होते हैं जब वेर यू सुइंग एन ऑब्जेक्ट टू अ न्यू मतलब जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट बच्चे को दिखाएंगे तो वो मींस स्ट्रेटली uh, उसको क्या उस वो बिल्कुल उसको कैसे देखेगा बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्मल आइज डोंट मूव बट द हेड टर्न्स टू द राइट और लेफ्ट साइड टूअर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स ओके मीन्स जो आपकी आइज होगी वो मूव नहीं करेगी बट जो आपका हेड होगा वो टर्न करेगा राइट और लेफ्ट साइड टूअर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स देन द एक्सक्यूजन रिफ्लेक्स एक्स्यूजन रिफ्लेक्स इज टिप्रेस्ड लाइक दिस ओके नॉर्मल रिस्पॉन्स न्यू बॉर्न पुसेस एब नॉर्मल क्या होता है इसमें जो कंटिन्यूस एक्सक्शन ऑफ टंग ट्रस्टिंग अकर्स विद द सी एन डी एनॉमलीज एंड सीजर ओके एज ऑफ कब होता है इसका फोर मंथ में क्या हो जाता है आपका डिसअपेयर हो जाता है फंक्शन क्या है प्रोटेक्टिव फंक्शन बाय प्रिवेंटिंग द बेबी फ्रॉम स्वेलोइंग सब्सटेंस दैट आर टॉक्सिक और पॉइजनस ओके नेक्स्ट इज लैंड रिफ्लेक्स क्या होते हैं स्टिमुलेशन दोगे अगर आप तो न्यू बॉर्न वर मेड टू लाई इन अ प्रोन पोजिशन विद द नर्स हैंड सपोर्टिंग द ट्रंक नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या देगा बच्चा जो हेड होगा विल एक्सटेंड एंड द बैक एंड हिप्स विल ऑल्सो एक्सटेंड इन सिक्वेंस सुपर मैन लाइक दिस डिसअपेयरेंस क्या है ये अपेयरेंस अप्रोक्सीमेटली थ्री मंथ्स ओके थ्री मंथ्स में ही अपेयर होगा और डिसअपेयर कब होगा आपका फोर टू ट्वेंटी फोर सॉरी ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर मंथ्स फंक्शंस क्या होता है इसका एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स अकाश इन हाइपोटोनिया हाइपोटोनिया और मेंटल एबनॉर्मेलिटी सो देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स दैट लास्ट इंटू द एडल्टुड जो ये वाले रिफ्लेक्स है तो क्या होते हैं मीन्स टाइम के साथ क्या हो जाते हैं डिसअपेयर हो जाते हैं लेकिन देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स जो हमारे एडल्टूड में भी प्रेजेंट होते हैं लाइक ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स सो ब्लिंकिंग द आइज वेन दे आर टर्स्ट और वेन अ सडन ब्राइट लाइट पेयर्स कफ रिफ्लैक्स होता है लाइक जैसे एयरवे से कोई स्टूमला आ गया देन कफिंग वैन द एयर वेज स्ट्यूमुलेटेड गैग रिफ्लैक्स गैगिंग वैन द थ्रोट और बैक ऑफ द माउथज स्टूमुलेटेड स्नीज रिफ्लैक्स सो स्नीजिंग वैन द नेजल पैसेज आर इरीटेटेड दैन स्नीज कम्स आउट सो योन रिफ्लैक्स तो योनिंग वैन द बॉडी नीड्स मोर Oxygens, okay. So, these reflexes are present in newborn and also present in adulthood. So, thank you so much.